हेलो एंड वेलकम टू डे के ग्रो ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद हम क्या करें? तो मेरा एकमात्र जवाब इस क्वेश्चन का यही होता है कि आप पीएचडी में कहीं पे इनरोल हो जाइए, क्योंकि अगर जैसे कि आपको हायर एजुकेशन सेक्टर में अपना करियर बनाना है तो आपको पीएचडी आज के डेट में करना बहुत अनिवार्य है। अगर जैसे कि आप पीएचडी नहीं होंगे तो आप सिर्फ नेट के बलबूते कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूर्ण रूप से नहीं देख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ओनली नेट क्वालिफाई करके आज के डेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बहुत ही कठिन कार्य हो गया है, क्योंकि जब आपका एकेडमिक मूल्यांकन किया जाएगा तो वहाँ पे पीएचडी वालों को 30 से 35 अंक दिए जाएंगे और नेट जेआरएफ को सिर्फ 7 से 10 अंक। तो ऐसे में ये जो खाई है 30 से 35 और 7 से 10 का, इसको आप कैसे भर पाएंगे? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे ही आप नेट क्वालिफाई करें उसके बाद आप पीएचडी की ओर अग्रसर हो जाएं, क्योंकि पीएचडी ही एकमात्र रास्ता है जिसको आप तय करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना साकार कर सकते हैं। क्योंकि बहुत आसान आज के डेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना नहीं रह गया है, क्योंकि आप सभी को पता है 2 बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है और दोनों बार लगभग लगभग 50,000 स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट। ऐसे में अगर यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो नेट के अलावे आपके पास पीएचडी के साथ साथ अच्छा एकेडमिक स्कोर होना चाहिए और साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट पे बहुत ही तगड़ा पकड़ होना चाहिए, तभी जा करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर आज के डेट में बन पाएंगे। हालांकि इस चीज़ का एक अपवाद भी है, अगर जितके आपका जुगाड़ है तो बहुत ही आसानी से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और ये आप सभी बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं। भारत में ये चीज़ चलता ही है, भाई भतीजावाद, प्रोफेसर के बेटे प्रोफेसर, प्रोफेसर के भतीजे प्रोफेसर और भी बहुत सारे जो ऑलरेडी हायर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं उसके परिवार के लोग बहुत ही आसानी से पीएचडी भी कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप एक सामान्य परिवार से आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।